सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने 90 प्लस या अपने जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस किया है और आप लिखित तक पहुंच गए हैं और एक स्टेज आपका और बचा है जिसके बाद आपके हाथ में आपकी नौकरी और पैसे दोनों होंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आप सबको, आप लोगों ने बहुत 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 अप्रिशिएट किया मेरी क्लासेस को या हमारे कोचिंग की क्लासेस को। तो आज से आपका लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबका शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसा एक टॉपिक स्टार्ट करूंगी जो आपके आने वाले 9 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है सीटेट का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपके यूपी टेट में भी था पर इसे दूसरे सर ने पढ़ाया था, लेकिन मेरे ये लिखित के सिलेबस में भी है। आपका वो टॉपिक है समावेशी शिक्षा। आज उसके ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे आपका। सब कंफ्यूज होते हैं, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा, इन सब पॉइंट्स में आपको कोई अगर कंफ्यूजन है तो आज के लेक्चर से आपकी दूर हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं बालक कितने प्रकार के होते हैं। अगर उनकी विशिष्टता देखी जाए तो हम दो प्रकार से बालकों को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके बालक होंगे जो सामान्य होंगे और दूसरे जो बालक होंगे वो आपके कौन से होंगे, विशिष्ट। कितने प्रकार के बालक हुए, कई प्रकार के आपकी अवस्थाएं। यहाँ हम जो समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे यहाँ बालक को दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। एक आपके कौन से बालक होंगे, सामान्य बालक, और दूसरे आपके कौन से बालक होंगे, विशिष्ट बालक। अगर हम इसको वेन डायग्राम दिखाएं, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम दिखाएं, सामान्य बालक वो बालक जिनकी लगभग सभी आवश्यकताएं सामान्य होती है, एक सर्कल के रूप में इनको दिखा सकते हैं। अब विशिष्ट बालक जो होते हैं उनके कुछ टर्म तो प्रॉब्लमेटिक होते हैं और कुछ टर्म बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। जैसे आप कहिए दृष्टि बाधित है तो अगर वो देख नहीं सकते तो उनकी स्पर्श इंद्रियां बहुत ज्यादा डेवलप होती है, वो छू के बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। तो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। तो दो प्रकार के बालक आपके कौन से हुए, सामान्य और विशिष्ट। अब इन दो बालकों के आधार पे शिक्षा को प्रमुख चार भागों में बांटा गया। अब आप देखिए कौन कौन से वो भाग है। शिक्षा के प्रमुख चार भाग में बांटेंगे तो इन्हीं दो बालकों को लेकर हम बांट सकते हैं। एक तो हो गई आपकी सामान्य शिक्षा, दूसरी हो गई विशिष्ट शिक्षा, तीसरी हो गई एकीकृत शिक्षा, और चौथी आपकी जिसको आपको पढ़ना है वो है समावेशी शिक्षा। कौन कौन सी शिक्षा हुई, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। चार प्रमुख भागों में हम इनको बांटेंगे। किसके आधार पे, सिर्फ प्रकार दो हैं, सामान्य और विशिष्ट बालक। अब याद है आपको अभी मैंने बताया एक को सर्कल से डिनोट करेंगे और एक को किससे, ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, ठीक है, नोट करते रहिए। अब मान लीजिए ये आपकी कक्षा, यहाँ कक्षा के शिक्षण की बात होगी। आपकी चार प्रकार की कक्षाएं मैंने बताई जिसमें दो प्रकार के बालक है, कौन, एक आपके ये कौन से हैं, सामान्य, और ये कौन से हैं, विशिष्ट। चार प्रकार की कक्षाओं को हमें समझना है। समावेशी को समझने से पहले पहले बेसिक जानेंगे तब ना आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला, देखिए नाम से देखिए सामान्य शिक्षा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ेंगे, सामान्य बालक। समझ में, सामान्य शिक्षा या सामान्य कक्षा वो होगी जिसमें कौन से बालक पढ़ते हैं, सिर्फ सामान्य बालक पढ़ते हैं। अब देखिए विशिष्ट के नाम से समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन से बालक पढ़ेंगे, सिर्फ विशिष्ट बालक। इसमें कौन से बालक पढ़ेंगे, विशिष्ट बालक। अब हम एकीकृत शिक्षा देखेंगे। अब देखिए इसी में हम आप कंफ्यूज होंगे, एकीकृत और समावेशी। अब यहां देखिए दोनों में कौन कौन पढ़ेंगे, आपके सामान्य भी पढ़ेंगे और विशिष्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इनको अलग से वरीयता देंगे, इन पे फोकस करेंगे और यहाँ
शिक्षा हुई जिसमें से विशिष्ट बालक है। एकीकृत शिक्षा वो शिक्षा हुई जिसमें सामान्य और विशिष्ट को एक साथ एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन स्पेशल जो नीड्स वाले हैं उनको अलग से वरीयता दी जाती है। इसमें सामान्य बालकों पे उतना फोकस नहीं किया जाता और ये बाध्य भी नहीं होते कि सबको आपको पढ़ाना है। इनकी इच्छा, इन्होंने एकीकरण कर दिया, अब अपनी कक्षाओं को संचालित करें। इससे ज्यादा डेवलप जो कक्षा आपकी होती है वो सबसे डेवलप जो होती है वो कौन सी होती है? समावेशी शिक्षा। इंग्लिश में ये जनरल आपकी एजुकेशन है, ये आपकी स्पेशल एजुकेशन है, ये आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, अब ये आपकी कौन सी एजुकेशन है? इंक्लूसिव। ठीक, तो यहाँ और यहाँ इतना अंतर है कि यहाँ सब पे समान रूप, यहाँ दोनों इम्पोर्टेंट है, सामान्य तथा विशिष्ट, और यहाँ सिर्फ एकीकरण कर दिया, ये बाध्य नहीं। ठीक, तो ये रहा आपका समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। हमने आपको बताया समावेशी शिक्षा के बारे में। पहले तो इसमें कौन कौन से बालक आते, जो आपके यूपी टेट में प्रश्न पूछा था, बहुत इजी प्रश्न था, उसमें कौन कौन से बालक आते हैं? सामान्य और विशिष्ट। ठीक, आपके सामान्य बालक भी होते हैं और विशिष्ट। अब हम जानेंगे कि इसके आने की आवश्यकता क्या है। जैसे हमने पढ़ा सामान्य कक्षा, ठीक, सामान्य कक्षा वो कक्षा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सामान्य बालक पढ़ते हैं। ये पुरानी हमारा जो पुराना ट्रेंड चला रहा है, जैसे जनरल जो स्टूडेंट है जिनको कोई स्पेशल नीड नहीं है उनके लिए एजुकेशन हम चलाते थे, तो ऐसा हुआ कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हमेशा से रहे वो वंचित होने लगे। उनको जैसे देख नहीं पा रहे तो उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, सुन नहीं पा रहे घर बैठा दिया जा रहा है, चल नहीं पा रहे विद्यालय तक नहीं आ पा रहे, तो वो क्या हो रहे थे? वंचित हो रहे थे। तो सामान्य से थोड़ा सा डेवलप होके किस पे है? विशिष्ट शिक्षा। अब विशिष्ट शिक्षा में क्या था? आप विशिष्ट आपके पाठ्यक्रम होते थे, विशिष्ट शिक्षक होते थे, विशिष्ट कक्षा होती थी, विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट होते, सब कुछ अच्छा था। पहला तो बहुत खर्चीली विधि ये है, लेकिन बालकों के विकास में हमें खर्चा नहीं देखना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो विशिष्ट में आई, आपके विशिष्ट जो विद्यालय थे, इसमें जो सामाजिक रूप से उनका विकास होता था वो बाधित हो जाता था। क्यों? मैं रीजन आपको बता दू, सामाजिक रूप से वो इसलिए बाधित हो जाते, जैसे दृष्टि बाधित है तो एक कक्षा में सारे के सारे क्या होंगे? दृष्टि बाधित होंगे। ऐसा तो नहीं उसमें इंक्लूसिव की तो बात की नहीं कि सारे होंगे, लेकिन यहाँ क्या होंगे? सिर्फ दृष्टि बाधित। तो वो उन्हीं के साथ रहते हैं जो नहीं देख सकते, तो आप बताए एक्सपीरियंस वो अपना कैसे शेयर करेंगे? जो एक्सपीरियंस पहले के पास है वही दूसरे के पास, वो दूसरों की सहायता लेते हैं और काफी दिन वो बैठते पढ़ते एक समूह या समुदाय बना लेते हैं। अभी भी आप जानते हैं स्पेशल आपके चलते हैं स्कूल, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें समूहीकरण जो होता था उनके दिमाग में यह बैठता था कि हम सब के सब क्या है? विशिष्ट है। लेकिन जब वो वहां से निकल के समाज में आते थे, जब उन्हें जरूरत पड़ती थी सामान्य जीवन जीने की, तो उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती थी। पहले तो सामान्य जो लोग थे उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे या उनको हीन भावना से देखते थे, ये अलग है, इनको विशेष नीड है, इनको ज्यादा जरूरत है, इनकी मदद कर दो, इनको रोड क्रॉस करा दो, ये सब चीजें जो थी उनके अंदर एक कुंठा की भावना आ गई। जब ना चलने वाला, कम चलने वाला, जैसे एक पैर से विकलांग, वो बालक अपने लोगों में रहता था, जैसे सारे नहीं चल पाते तो सब आराम से जाते थे, जब वो वहां से निकल के समाज में आया तो वहां अचानक उसे जरूरत पड़ी कि भागना है पीछे एक सांड दुरा एग्जाम्पल, जब वो नहीं भाग पाता और सामान्य बालक भाग पाता है, अचानक उसे जब ये चीजें फील होती है, उसे अपने अंदर एक कमी महसूस होती है, जबकि ये कमी नहीं दिव्यांगता है, तो उसके अंदर मानसिक कुंठा उत्पन्न हो जाती है। मानसिक तथा सामाजिक कुंठा उत्पन्न होने के कारण इस यहाँ पर जो सामाजिक विकास होता है वो क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। लेकिन ये अच्छी विधि है, अगर स्पेशली उन्हीं को डेवलप करना है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर हुआ कि इनको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए, एकीकृत, जो भी मैंने आपको बताया, फिर इनको ले आके क्लास में इंटीग्रेट कर दिया गया कि सामान्य पे बैठेंगे, विशिष्ट पे बैठेंगे, पर इसमें कोई बाध्य नहीं था। आप पढ़िए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, सामान्य पाठ्यक्रम पढ़िए, सामान्य रूप से पढ़िए, तो इनका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो फिर एक आधुनिक आपका कॉन्सेप्ट आया समावेशी शिक्षा की, जिसमें दोनों को साथ बैठाया तो गया, साथ ही साथ दोनों पे फोकस किया गया, जैसे इनको विशिष्ट आवश्यकता है इनको भी पूर्ति इनकी भी की गई, और जो सामान्य बालक है उनको भी साथ साथ डेवलप किया गया। जैसे आपको बताऊं, अभी मैं कैटेगरी बताऊंगी कि अगर प्रतिभाशाली बालक है,
तो ये भी कौन सा बालक है? विशिष्ट बालक है, सामान्य नहीं है। और यही अगर मन में बुद्धि है, ये भी कौन सा बालक है? विशिष्ट बालक है। अब आप समझिए कि जब मंद बालक को आप पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत स्लोली, बहुत समझा के, बहुत व्याख्या करके, बहुत आराम से पढ़ाएंगे कि वो समझ जाए। लेकिन जो प्रतिभाशाली वो तो समझ लेता है नॉर्मल चीज, और वो बहुत तेजी से समझता है। उसका विकास क्या हो रहा था वहां इंटीग्रेटेड में, अवरुद्ध हो रहा। उस पर भी तो हमें ध्यान देना है कि यही बस जितने मंद बुद्धि है उन्हीं को डेवलप करना है, जितने पिछड़े हैं उन्हीं को डेवलप करना है, ऐसा नहीं। वहां ये विशिष्टता इसमें इसके अंदर भी है, इसको भी हमें डेवलप करना है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए प्रतिभाशाली नहीं, सिर्फ मंद है और सामान्य, इनकी स्पीड से पढ़ा रहा है, तो लॉस किसका हो रहा था? सामान्य का भी हो रहा था। आप स्लो पढ़ा रहे थे, स्लो स्पीड से पढ़ा रहे थे, किसका लॉस हो रहा था? सामान्य का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों को आपकी वरीयता दी गई, दोनों के विकास के लिए सर्वांगीण प्रयास किए गए। उसी सामान्य शिक्षक को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित किया गया। जैसे स्पेशल बीएड आपने सुना होगा, वो कौन से टीचर होते हैं जो स्पेशल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन अब बीएड में ही समावेशी शिक्षा है, अब वही बीएड धारक या वही बीटीसी में भी आपके समावेशी शिक्षा, वही टीचर आपको दोनों स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। तो इसलिए इसकी नीड थी, अगर आपसे पूछा जाए कि आवश्यकता क्या थी इसके आने की, तो आप जान लेंगे कि एक तो दोनों के विकास को सर्वांगीण रूप से उन्मुख करना, सामान्य तथा विशिष्ट, और क्या सामाजिक विकास का भी इसमें सामाजिक विकास भी करना। क्योंकि अगर ये अलग अलग शुरू से रहेंगे तो बाद में जानते हैं समूहीकरण कब से स्टार्ट हो जाता है, कौन सी अवस्था से? बाल्यावस्था से। जब बाल्यावस्था में ये विशिष्टता विशिष्ट विद्यालय में पढ़ लिए तो वहां उन्होंने समूह बना लिए, तो उनके दिमाग में एक क्या होता है, एक ढांचा बन जाता है अपने समाज का। अब वो वहां से बाहर निकलता तो सामाजिक रूप से समायोजन नहीं कर पाते। लेकिन समावेशी शिक्षा में वो साथ में पढ़ते हैं, साथ में सीखते हैं, ये इनका सहयोग करते हैं और इनकी कोई विशेषता है जिसमें प्रतिभाशाली भी है, सृजनात्मक भी, तो ये इनकी हेल्प करते हैं, पीयर लर्निंग से सीखते हैं, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये हम कॉन्सेप्ट की आपकी समावेशी शिक्षा क्या। अब बात करते हैं इसमें बालक कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ भी आपको बताया कौन कौन से बालक आएंगे, सामान्य और अभी तो मोटा मोटा आपने देखा कि कौन कौन से बालक है। सामान्य, सामान्य जिनकी मनोवैज्ञानिक रूप से आवश्यकता है समान हो, शारीरिक रूप से आवश्यकता है समान हो, बौद्धिक रूप से समान हो, सामान्य बालक हुई जिसकी ग्रोथ उसके एज के अकॉर्डिंग हुई हो या उसको कोई विशिष्ट आवश्यकता न हो। विशिष्ट बालक वो बालक है जिनको क्या हो, विशिष्ट आवश्यकता, विशिष्ट विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को क्या करते हैं, समावेशित करते हैं, उन्हीं का सम्मिलन भी करते हैं और उनका उन्मुखन भी क्या करते हैं, साथ में करते हैं। ठीक, तो इसमें विशिष्टता। अब देखिए इसकी कैटेगरी है कुछ, पहली कैटेगरी आपकी कौन सी है, बौद्धिक, दूसरी कैटेगरी शारीरिक, कौन सी, पहली आपकी बौद्धिक, शारीरिक, मौखिक, मनोसामाजिक, शैक्षिक, और एक लास्ट है आपका कौन सा, वंचित। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल देती हूँ, पहला आपकी कैटेगरी कौन सी होती है, बौद्धिक, दूसरी शारीरिक, तीसरी मौखिक, फिर मनोसामाजिक, फिर शैक्षिक, और लास्ट में आपके कौन से बालक, वंचित। अब थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब करेंगे क्या होते हैं। अब इसमें भी यही सब होते हैं लेकिन इनकी आवश्यकता क्या होती है, सामान्य होती है। लेकिन इसमें क्या होती है, इनकी आवश्यकता विशिष्ट होती है। ठीक, अब बौद्धिक रूप से अगर आपके बालक आए, इसमें आएंगे प्रतिभा शाली, मंद, सृजनात्मक भी इसी में आ जाएंगे, मानसिक रूप से पिछड़े, जितने भी जिनकी मेंटल एबिलिटी क्या हो, विशिष्ट हो, जिन्हें मेंटली रूप से विशिष्ट आवश्यकता हो, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, बौद्धिक की कैटेगरी में आएंगे। कौन सी आवश्यकता इनकी होगी,
बौद्धिक रूप से विशिष्ट आवश्यकता होगी। जैसे आपका प्रतिभाशाली बालक, आप जानते हैं IQ निकालते हैं आप, क्या फॉर्मूला है? मानसिक बटे शारीरिक विधि, मेंटल इज अपॉन एक्चुअल इज इनटू 100। और EQ निकालते हैं शैक्षिक लब्धि, दो होता है ना, बुद्धि लब्धि होता है एक शैक्षिक लब्धि। देखिए अब यहाँ पे आपको दिमाग पे जोर डालना है, हर चीज बता देंगे तो आप क्या करेंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे, और चिंतन नहीं कर पाएंगे तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन आए थे मनोविज्ञान में उसी प्रकार आपके उसमें भी छूट जाएंगे। यहाँ सिर्फ आपको रटना नहीं, देखना नहीं, खुद से सोचना है क्या हो सकता है। आप जानते हैं IQ क्या होता है, मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इनटू 100। और इसमें क्या होता है, एजुकेशनल जो लब्धि होती है अपॉन एक्चुअल जो लब्धि होती है इनटू 100। सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा इसकी क्राइटेरिया अलग है। अगर 70 से कम है IQ तो वो कौन से बालक है, मन। और 75 से कम है EQ तो वो भी कौन से है, मन। हम यही जानते हैं कि अगर IQ 70 से कम है तो वो कौन से बालक है, मंद। लेकिन EQ भी होता है शैक्षिक लब्धि, सर भी तो नापते हैं कि शैक्षिक जो आपकी एज है, हमने आपका मूल्यांकन किया और आपकी एक्चुअल एज है उनका रेशियो इनटू 100 तो क्या होगा आपका 75। कौन दिया, बुद्धि लब्धि का सूत्र। ये सब प्रश्न है, आप एनालिसिस करते रहेंगे तो शायद आपके कुछ प्रश्न और फंस जाए। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए जो बौद्धिक रूप से जिनकी विशिष्ट आवश्यकता है वो कौन से हैं, वो भी विशिष्ट बालक हैं, जैसे प्रतिभाशाली, मंद, सृजनात्मक और भी जितनी मेंटल इनको प्रॉब्लम है, ऑटिज्म हुआ आपका, जानते हैं ऐसे ऐसे रोग हैं आपके, ऐसे ऐसे अक्षमताएं हैं जो मेंटली आपके जो क्रियाकलाप है उनमें विशिष्टता ला लेती है। अब यहाँ वो दिव्यांग कहे जाएंगे मेंटली रूप से, ठीक। अब आई शालिनी, इसमें मुख्य रूप से जो यूज करते हैं दिव्यांग, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे दृष्टि बाधित शारीरिक रूप से है ना, कोई अंग में आपके अगर विशिष्टता हो, आंख, कान, नाक, चलने, तो इसमें देखिए आपके कौन कौन से होंगे, दृष्टि हो गया, श्रवण हो गया, अस्थि हो गया, एक होता है बंधिरता होता है, अन्य जितने भी आपके शारीरिक रूप से विशिष्टताएं वो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। याद रखिएगा अगर किसी अंग में कोई विशिष्टता है तो कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, शारीरिक की कैटेगरी में रखेंगे। मेंटली कोई चीज है जो आपको अंग में नहीं दिखती, प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन आपके व्यवहार में, आपकी मानसिक क्रियाओं में दिखती है, तो वो कौन सी कैटेगरी में होगी, बाधिक। तो यहाँ पे वो आपके बालक आएंगे जिनको अंगों में किसी शारीरिक रूप से किसी प्रकार की विशिष्टता है, जैसे दृष्टि बाधक। अब इसमें भी दो दो कैटेगरी सम्मिलित है, याद रखिएगा, एक तो होता है पूर्ण और एक होता है आंशिक, दो प्रकार की सब में कैटेगरी, ठीक। आप कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उसके लिए आपको सही रहेगा, 5-10 नंबर में कई आपके पॉइंट है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो सही है। इसमें भी क्या होंगे, दृष्टि में आंशिक और पूर्ण दोनों होंगे। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे, आप देखते हैं ना कि यहाँ ऐसे जो आप आई चेक होता है, बड़ा सही लिखा रहेगा, छोटा छोटा लिखा रहेगा, उससे छोटा लिखा है ना, इसका आप रेंज जानते हैं, कौन कौन जानता है, क्या होता है, कैसे करते हैं, जो सबसे नीचे वाले देखते हैं उसकी आंखों की पावर क्या होती है, छोटा जो सबसे छोटा वाला होता है वो क्या होता है, अच्छी होती है, पावर होगी ना, 6x6 बोलते हैं उसको, सबसे अच्छी जिसकी कोई आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आई साइड से मेरी नहीं, तभी ना चश्मा लगाया, तो आपकी क्या होगी, 6x6, ठीक। जब पायलट वगैरह बनते हैं तो ये चेक किया जाता है क्या है आपकी आई साइड, ठीक है, तो आपकी 6x6 सबसे अच्छी होती है। और अगर एग्जाम नहीं पढ़ पा रहा है तो ये होता है 6x60, है ना, मतलब आपका जो अगर एकदम नहीं पढ़ पाया तो आपकी रेंज क्या है, यहाँ से एक साइड से याद रखेंगे, नीचे 6 रहेगा एक बाउंड और ऊपर क्या रहेगा, 16, एक और बीच की आपकी है 18, कई है ना लाइन, आप अगर चेक करेंगे तब तो पता होगा। लेकिन यहाँ रेंज हमको देखिए कंबाइंड रूप से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन देख लीजिए आप समझते रहिए कि अगर 6x6 है तो एकदम नॉर्मल है, जस्ट वो सामान्य बल है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा है 6x9 है
इसमें 9 भी आता है तो भी हम उसको विशिष्ट नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी नहीं देख पा रहे, हम विशिष्ट थोड़ी है, अब कह देंगे हम विशिष्ट बालक है, ऐसा नहीं है। 6/9 रहेगा तो क्या है, वो भी विशिष्ट नहीं। ये जहां 6/18 का पड़ा तो यहां से आपकी आंशिक रूप से दृष्टिबाधकता शुरू हो जाती है। ठीक, आंशिक रूप से दृष्टिबाधकता कब शुरू होगी, जब यहां 18 का नहीं आ जाएगा, और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधकता अगर 6/60 का भी नहीं देख पा रहे तो कौन होगा, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधकता। ये आपकी कुछ पिन पॉइंटेड टेक्निकल प्रश्न है जो हम समावेशी शिक्षक पढ़े होंगे, लेकिन ये सब जरूरी है। आप जानिए तो बाय चांस आपके आपसे रेंज पूछ दिया, तो सुनने का पूछ दिया, बताइए क्या होता है, कितना डेसिबल है? नहीं सामान ये 25 और 80 से ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है, हर चीज हमें बता देंगे, हम बता देते, सबको लगता है डकराती कहते हैं। हाँ हाँ ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपकी कैटेगरी होगी पूर्ण शिक्षा, ठीक। तो आपको क्या होता है, दृष्टि बाधित, इसमें भी कौन कौन से होंगे, पूर्ण और आंशिक, श्रवण बाधित इसमें भी कौन होंगे, पूर्ण और आंशिक, अस्थि, जैसे किसी के पैर की हड्डी टेढ़ी हो गई, किसी हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई, चाहे कहीं भी हो, उसको अगर बाधा उत्पन्न करने लगे तो वो क्या है, वो बाध्यता कहते हैं, है ना, आपके अस्थि बाध्यता। फिर हो गया आपके बंधिरता हुए, मुख बधिर आपने सुना होगा, बंधिरता होता है देख भी न पाए और बोल भी न पाए। मुख बधिर क्या होगा बताइए, बधिरता से बोलते सुनना देखना दोनों, मुख बधिर क्या होता है, टोटली वो ना देख पाता है ना सुन पाता है ना बोल पाता है, ठीक है। ऐसे बालक भी आपके इसमें शारीरिक रूप से विकलांगता दिव्यांगता में आ जाएंगे या इनकी विशिष्टता होती है, ठीक। अब आते हैं जो और अन्य पॉइंट है आपका, मौखिक रूप से अगर कोई प्रॉब्लम, ये इंक्लूड नहीं करते लोग लेकिन होता है, जैसे हफलाना, अब यहाँ बोल नहीं पा रहा है वो अलग है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने यहाँ शामिल नहीं किया, इसको मैंने अलग से लिख दिया। अगर वो नहीं बोल पा रहा एकदम तो पूर्ण है, कुछ चीजें नहीं बोल पा रहा आंशिक है, और अन्य भी इसकी कैटेगरी कौन सी, जैसे हकलाते हैं बच्चे, कोई कोई शब्द नहीं बोल पाते, है ना, अभिव्यक्ति में अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो विशिष्ट है, जिसके कारण से लगता है कि हम सामान्य से भिन्न, इस प्रकार की विशिष्टता किसमें आएगी, मौखिक में आई, समझ में आया। अगर बोल नहीं पा रहा एकदम, या कम बोल पा रहा है, कोई शब्द नहीं बोल पा रहा है, या उस हकला रहा है, ठीक, उसकी साउंड जो है नहीं सही है, वो अपनी चीजों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, तो वो कौन सी विशेषता आपकी हो गई, मौखिक रूप से विशेषता हो गई। अब आया मनोसामाजिक विशेषता, यहाँ लिख देने आपको दिखेगा, कौन से का आपका मनोसामाजिक विशेषता, कौन कौन सी होंगी इसमें, इसमें वही बालक होंगे जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रॉब्लमेटिक होगी। अब यहाँ देखिए बौद्धिक को अलग कर दीजिए, लेकिन यहाँ अगर आप सोच रहे हैं और आपका समाज में व्यवहार भिन्न है सामान्य से, तो आप कौन से बालक है, मानसिक मनोसामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कह जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा समस्यात्मक बालक, सुना, एक आपके और है अपराधी, क्या ये दोनों सेम है, विचार करिए, नहीं ना, अपराधी में तो वो आते हैं जैसे कि क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल टाइप का, वो समस्या तो जो जिसके मैनेज नहीं कर पाते हैं नॉर्मली, वो समस्या तो दोनों अलग, दोनों अलग, ठीक है। समस्या का बार जनरली क्लास में जो डिस्टरबेंस करे, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या करता है, ये नियमों को नहीं मानता, जो भी आपके अनुशासनात्मक नियम होते हैं ये इनको नहीं मानता, इसकी विशेषता। और ये क्या करता है, नियमों को तोड़ता है, देखिए दोनों में अंतर है, न मानना, चुपचाप बैठे रहेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तोड़ देंगे तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपके नियमों के विरुद्ध, दोनों अलग अलग है। समस्यात्मक बालक आपके वो बालक हैं जो कक्षागत या सामाजिक रूप से समस्या उत्पन्न करते हैं, और ये भी समस्यात्मक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन सारे समस्यात्मक आपके अपराधी नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, ये मानसिक रोग ही कह सकते हैं इनको, अपराध करना, आप समझिए एक छोटा सा बालक अगर वो ऐसे कृत्य कर लेता है जिसको अपराधी कहा जा रहा है, तो एक तरह से मानसिक रूप से कुंठित है या मानसिक रोग से ग्रसित,
तो वो क्या करता है, नियमों को तोड़ देता है। अगर उनका सामाजिक रूप से समायोजन नहीं हो पा रहा है, वो विशिष्टता दिखा रहे हैं, तो उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, मनोसामाजिक की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि समस्यात्मक बालक कौन विशिष्टता के कौन से भाग में आते हैं, तो आपको अगर ऑप्शन बौद्धिक शारीरिक मौखिक मनोसामाजिक, तो कौन से बनाएंगे, मनोसामाजिक। ठीक है, अगर सामाजिक रूप से कोई विशिष्टता है तो कौन से आएंगे, वो मनोसामाजिक रूप से। अब अगला है आपका शैक्षिक रूप से। अब बताइए शैक्षिक रूप से कौन कौन से होंगे, वहां मैंने मंद बताया शैक्षिक लब्धि के आधार पे 275। यहाँ शैक्षिक रूप से क्या होंगे, विशिष्ट, जिनके क्रियाकलाप सामान्य बालकों या सामान्य छात्रों से अलग, शैक्षिक रूप से वो पिछड़ापन या कोई समस्या दिखाते या विशिष्टता दिखाते, तो कौन सी कैटेगरी में रखेंगे आप, शैक्षिक की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आपने सुना होगा अधिगम अक्षमता, लास्ट डे मैंने ये पढ़ाया था एक दिन आके, और इसमें से एक प्रश्न फंसा था, वीडियो नहीं बना था लेकिन उस दिन मैंने पढ़ाया था, उसमें फंस गया था पर डिस्कैल्कुलिया वाला। ठीक है, अधिगम अक्षमता में क्या है, अधिगम अगर आपको शैक्षिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है अधिगम, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके कौन से बालक, वो भी विशिष्ट बालक कह देंगे। और जैसे इसमें आपको बताया था मैंने डिस्कैल्कुलिया, जो आपका प्रश्न आया इस पे बिना से, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, गणना, गणना किसमें होती है, गणित में, गणना गणित। देखिए एकदम बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन बताया भी था, अगर डिफिकल्ट आता तो वो भी मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणना दोष होता है, जिसमें गणित की समस्या है, गणना की समस्या है और बालकों से आती है। ऐसा नहीं कि मैथ्स कमजोर है तो वो डिसकैलकुलिया, अब इसमें यही लोग सोचते हैं कि इनके मैथ्स कमजोर है वो क्या है, डिसकैलकुलिया। ये विशिष्ट आवश्यकता है, इसके कुछ लक्षण होते हैं, बार बार वही माँ आप हासिल जोड़ रहे हैं, गलत कर दे रहे हैं, कितना भी समझाया जाए अगर वही चीज रिपीट हो रही है आपकी, वही अक्षमता आपकी बार बार दिख रही है, वही चीज एग्जाम में भी करके आ रहे हैं, तो वो कौन सी आपका प्रॉब्लम है, कौन सी अधिगम अक्षमता है, डिसकैलकुलिया। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल है और डिसलेक्सिया, ये कौन सी अक्षमता है, पठन की, कौन सी पठन की, कई प्रकार की, जैसे कि मौखिक से आंसर देना होता है लेकिन ये मतलब पढ़ने में ऐसे जैसे बुक से पढ़ने में होगा। ये अब कॉन्सेप्ट समझिए, एक होता है अप और डाउन और एक होता है लेफ्ट और राइट। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो लेफ्ट टू राइट की होती है, लेफ्ट मिरर आप जानते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट राइट में नहीं डिफरेंस कर पाएंगे, आर लिखे ऐसा आर लिखे ऐसा, इनको दिखेगा क्या, आर ही दिखेगा, और जैसे दिखेगा अगर ऐसा दिखा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा दिखा तो ऐसा लिखेंगे, ये दोनों में डिफरेंस वो नहीं कर पाते। ये कौन सा पठन अक्षमता आपकी डिसलेक्सिया, इसमें अगर आपने लिख दिया एस ए डब्ल्यू और डब्ल्यू ए एस सा और बॉस, तो लेफ्ट टू राइट देखे क्या अलग है ना दोनों में, लेकिन वो क्या करेंगे, दोनों को एक ही पढ़ेंगे, या तो सॉ पढ़ देंगे या तो वॉच पढ़ देंगे, क्या उनको ऐसे भी दिखेगा क्या उनको ऐसे भी दिखेगा, समझ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। ऐसा समझ में, तो अगर आपसे पूछा जाए ये प्रश्न भी शायद आया हुआ है सॉ वॉच वाला, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट बनाए लेफ्ट टू राइट में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, तो कब नहीं कर पाएंगे, लिख रहे हैं तो अलग बात है, पहले पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जो देख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, तो ये कौन सी होगी आपकी, इससे सही में क्या है, अधिगम अक्षमता। फिर है आपकी डिसग्राफिया हो गई, उसमें ग्राफिकल थी मतलब लिखने में जो प्रॉब्लम होती है, लेखन अक्षमता हो गई। ठीक है, ऐसे कई प्रकार की आपकी अक्षमता है जो शैक्षिक रूप से आप बच्चों को विशिष्ट बना देती है, यहाँ प्रभावित कम नहीं, कम ज्यादा नहीं बोलेंगे, उनको क्या बना रही है, विशिष्ट बना दे रही है, तो कौन से, वो भी कौन से बालक है, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें एक और आपका टर्म जुड़ता है जैसे अधिगम क्षमता है सांस्कृतिक, अब इसको आप वंचित में भी रख सकते हैं, तो सांस्कृतिक रूप से जैसे आपके बहुत आदिवासी वगैरह हैं वो शिक्षा से दूर हो गए, तो जब वो बाद में उनको समायोजित किया जाएगा तो वो विशिष्टता दिखाएंगे, सामान्य की तरह नहीं रहेंगे, तो उनको भी क्या किया गया, विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा गया। अन्य भी आपके जो है वंचित जो वर्ग है उसमें आ जाएंगे आपके
जो आपका ये रिजर्वेशन का सिस्टम है पहले क्यों आया, क्योंकि इनको हम वंचित कर देते, जो अपर कास्ट थी वो इनको वंचित कर देती थी, तो फिर ऐसी चीजें आई कि इनको फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए इनको ज्यादा अवसर दिए गए और इनको इनकी शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की गई। लेकिन इसमें वंचित हम ये जानेंगे जिनको वो चीजें नहीं मिल पाई। जैसे अगर आपको नहीं पता कि कैसे बैठना क्लास में, आप कक्षा में घुसे और जमीन पर बैठ गए, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आदिवासी बालक आया कोई, उसको नहीं पता कि यहाँ डेस्क बेंच पर बैठा जाता है, वो जिंदगी में अपने मान लीजिए अगर उसको पता है कि नीचे बैठा जाता है, अगर कोई खड़ा है कुछ होगी उसकी अपना कॉन्सेप्ट, तो आके यहाँ बैठ गया तो क्या है, उसको पता नहीं, वो शिक्षित नहीं। जो बालक शिक्षा से वंचित कर दिए जाए, वंचित में कौन से आएंगे, जो बालक शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, यहाँ अक्षम नहीं है, अक्षम क्या है, वो आपका मानसिक एक तरह से आपका विकृति है, अक्षमता क्या, आप कर आपको मौका दे रहे हैं आप नहीं कर पा रहे। लेकिन जिनको मौका ना दिया जाए वो बालक आपके कौन से कैटेगरी में आएंगे, वंचित बालक के कैटेगरी में आएगा, वो भी कौन से बालक है, विशिष्ट बालक। अब ये सारे जो छह प्रकार मैंने बताए इनको अगर सामान्य के साथ, टाइम कितना हो गया, सामान्य के साथ अगर रखा जाए ठीक, तो वो आपकी कक्षा कौन सी होगी, समावेशी शिक्षा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कौन कौन से बालक आएंगे पूछ लिया, ये है कि नहीं आप समझ जाएंगे ना, जिनकी सामान्य आवश्यकता वो सामान्य विशिष्ट में इतनी कैटेगरी छह की छह, याद रखिएगा, वंचित भी आएंगे जिनको हमने वंचित कर दिया और वो समाज शैक्षिक रूप से पिछड़ गए, शैक्षिक पिछड़े जो बोले जाएंगे, तो वो भी क्या होंगे, आपके विशिष्ट बालक होंगे। अब एक पॉइंट और आप डिस्कस कर लेते हैं, काफी चीजें इसके खत्म हो जाएंगी। कारण क्या होता है, बहुत एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, आप अलग अलग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक इंक्लूसिव जब एजुकेशन पढ़े तो इंक्लूसिव रूप से आप पढ़ना भी सीख लेंगे। तीन प्रकार के कारण आप हमेशा डिवाइड करिएगा, कैसे ये विशिष्ट हो जाते हैं सामान्य से। अब ये तो ठीक है ना कि हमने इनको पढ़ाया, लेकिन कारण नहीं जानेंगे तो निवारण कहां से करेंगे, कि जो आ रहे हैं कल को इतने बालक विशिष्ट रूप से ना आए, हमें रोकथाम उनकी रोकथाम करनी है। तो कारण तीन प्रकार के आपके होंगे, एक तो कौन से, जन्म से पूर्व, एक है जन्म के समय, फिर जन्म के बाद। जितनी भी आपकी विशिष्टताएं हैं इन्हीं तीन कारणों से उत्पन्न होती हैं, मुख्य रूप से कौन कौन सी, जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद। आप देखिए पहले, सबसे पहले पूर्व अवस्था का हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ भी हम जन्म से पूर्व की बात करें। अब बताएं अगर जन्म नहीं हुआ तो कैसे विशिष्टता उत्पन्न हुई, सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, माता और उसका वातावरण जो होगा वही सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। मद्यपान करती है, यहाँ नहीं हमारी संस्कृति में नहीं, अदर की बता रही हूँ, वो भी हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं ठीक है, मद्यपान कर रही है, सिगरेट पी रही है, कोई गलत, ये तो ये एक्सेप्शन, कोई गलत दवा उसने खा ली, देखिए कहते हैं ना प्रेग्नेंट है तो गलत दवा, कोई दवा नहीं खानी, पूछ के खाना, वो दवा, शराब, सिगरेट, और उसको एटमोसफियर नहीं दिया गया, पोषण से वंचित कर दिया गया, उसको पोषित नहीं किया गया, तो भी बालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विशिष्टता। अब यहाँ ये कमी नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, विशिष्टता, जैसे दिखाई नहीं दे रहा, कम सुन पा रहा है, ज्यादा सुन पा रहा है, तो अगर माता से संबंधित जितना एनवायरमेंट है और माता की जितनी एक्टिविटी है वो प्रभावित करती है निगेटिव रूप से, तो कौन से कारण बन जाते हैं, बालक जन्म से पूर्व ही डिसाइड हो जाता है कि क्या है ये विशिष्ट बालक, इसके अंदर कोई ना कोई अक्षमता होगी। सेकेंड जो आपका पॉइंट है जन्म के समय, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है जो आपकी डिलीवरी होती है, कोई भी है अगर वहां पे जो आपके डॉक्टर है अप्रशिक्षित है, सर दबा दिए, क्योंकि बहुत बालक नाजुक होता है, देखिए आपको जानना जरूरी है ताकि आगे रोका जाए, ऐसे बालक कम से कम आए और आप क्या करें सबको सामान्य रूप से उनको उन्मुख करें। तो यहाँ पे क्या है, अगर उनका सर दब गया, हाथ दब गया, कई लोग ऐसे हैं कि जैसे पैर और खींच लेते तो पैर और टूट जाता है, बहुत से ऐसे मैंने एग्जाम्पल सुने, मैंने अपनी लाइफ में सुने हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर उस समय जन्म के समय कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जो सही नहीं है बालक के लिए, तो वो भी क्या होता है, आपको विशिष्ट बालक बना देंगे ठीक। तो कारण जाने तो इसका निवारण ही हमें ही करना है,
लेकिन जो आ गए हैं उनका कारण ये मुख्य रहता है। अब जन्म के बाद के कई कारण होते हैं आपके, जैसे अचानक दुर्घटना हो गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई, आपको शौक लग गया, मानसिक मन, या जो आपका, देखिए दो प्रकार है, पागलपन और मानसिक मन, दोनों अलग चीज है, ठीक। तो ऐसे कई ऐसे आपके कारण है जिसे जन्म के बाद भी बालक में विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है, जैसे पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई और पोलियो हो गया, ठीक, कुपोषण कर दिया, उसकी क्या हुई, धीरे धीरे कोई ना कोई अंगों में विशिष्टता आ गई। अब यहाँ भी आपके कुछ ऐसे रोग हैं जो उसको विशिष्ट बनाते, जैसे खसरा हो गया माँ को जन्म के पूर्व, अभी जानते रहिए, किसी न किसी में आपका आएगा, चाहे श्रवण में चाहे दृष्टि में, तो उसको क्या होता है, बालक को कोई ना कोई विशिष्टता उत्पन्न होने की संभावना है। एड्स है तो भी होता है, वो उसको एड्स होना बाद में वो तो रोक सकते हैं, लेकिन अन्य कोई विशिष्टता भी हो सकती है। H1N1 आपने सुना होगा, क्या है, हाँ क्या है, कौन से रोग का, अब आप जानिए, हर चीज हम नहीं बताए, ठीक है। तो ये सब आपके जो कारण होते हैं जन्म से पूर्व के, वो बालक में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं, कुछ जन्म के समय जो प्रसव के दौरान होते हैं, और जन्म के बाद एक्सीडेंटल या आपके कुपोषण या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके अंदर विशिष्टता आ जाती है। तो ये तीन प्रमुख कारण है सामान्य बालक के विशिष्ट होने का, ठीक, वो सब में आप कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आज हमने समझ लिया कि समावेशी शिक्षा क्या है, वो उसमें कौन कौन से बालक आते हैं, एकीकृत क्या होती है, और समावेशी इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या कारण है कि बच्चा विशिष्ट होता है, और कैसे उसका निवारण हम कर सकते हैं।